स्वागत है दोस्तों आज की एक और न्यू प्रोजेक्ट पे। आज हम लोग आए हैं इंदौर में सराफा बाजार, जहाँ पे महावीर कलेक्शन गर्ल्स का पूरा श्रृंगार है। यहाँ पे हमने डक कूलर इंस्टॉल किए थे, जिसका टाइम लगभग 2 साल हो चुका है। तो आज हम यहाँ का आपको एक रिव्यू वीडियो देंगे। तो चलिए चलते हैं दुकान के अंदर। ये आप शॉप देख सकते हैं और ये हमारी ग्रिल्स 1 2 3 4 ग्रिल्स लगी हुई है और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी आ रही है। और अभी फ़ैन ऑन है हमारा। ये पूरी शॉप आप देख सकते हैं और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा जो टच रिमोट डिस्प्ले आता है। तो ये सबसे पहले आप ग्रिल्स देख लीजिए, एक ये ग्रिल्स हो गई, उसके बाद ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। और यहाँ की जो भी कूलिंग है लगभग 26 डिग्री टेम्परेचर है अभी अंदर का और बाहर का 39-40 है। तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी ग्रिल्स लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आ गए अब हम फर्स्ट फ्लोर पे और ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रिल्स ये हो गई, दूसरी ग्रिल्स ये हो गई और जो तीसरी ग्रिल्स है वो ये हो गई। और यहाँ की कूलिंग तो भाई क्या ही कहें, बहुत ज़बरदस्त कूलिंग है यहाँ पे। और ये जो आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्लास लगा हुआ है, इसके जस्ट पीछे से जो ऊपर की डक्टिंग है वो आई हुई है। और ये इतने से एरिए में यहाँ से इसके अंदर से हमारा जो डक्ट है वो आया हुआ है और यहीं से पूरा नीचे गया हुआ है। तो अभी हम आपको जब कूलर दिखाएंगे ऊपर का, तो आप समझ ही जाएंगे कि ऊपर से जो डक्टिंग को हमने घुमा के दिया है वो कैसे यहाँ से आया हुआ है। अब चलते हैं हमारे कूलर के पास, जो कि सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है। और जो यहाँ पे हमारा कूलर रखा हुआ है वो फाइव वॉल्ट कूलर रखा हुआ है, तो उसको दिखाते हैं। ये है हमारा कूलर, ये है हमारा कूलर और ये फाइबर बॉडी है। लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अभी। और ये इसका ऑटो वाटर रिचार्ज का जो कनेक्शन है यहाँ से, और ये ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है जहाँ से इसको क्लोज एंड ऑन करने के लिए है। ये ऑटो वाटर रिचार्ज होता रहता है। और ये डक्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे घुमा करके नीचे डाउन किया हुआ है, नीचे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों में कवर करते हुए। कूलर की कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी हद तक न्यू कंडीशन में रखा हुआ है, कोई भी डैमेजेस नहीं है, काफ़ी फ्रेश कंडीशन में रखा हुआ है ये। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे और जो यहाँ के ऑनर हैं वहाँ का एक प्यारा सा आपको रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि उनको आइस फायर का डक्ट कूलर लगाने के बाद कौन कौन से फीचर्स मिले और क्या क्या प्रॉफिट हुआ उनको और कूलिंग कैसी रही। चलिए चलते हैं हम नीचे और डायरेक्ट लेते हैं उनका रिव्यू। ओके, अब हम चलते हैं सर के पास और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और रिव्यू लेते हैं इनका कि कैसा लगा इनको। ये हमारे सर बैठे हैं। सर आपका नाम क्या है? पराग। ओके सर, सबसे ज़्यादा जो हमारी जनता का सवाल रहता है कि जो हमारा डक्ट कूलर है उसकी कूलिंग कैसी है, तो आप जरा विस्तार से इसकी कूलिंग के बारे में बता दीजिए। कूलिंग बहुत फर्स्ट क्लास है, हमको तो 2 साल हो गए हैं। ओके, तो मतलब आज तक कोई दिक्कत भी नहीं आई और बहुत बढ़िया कूलिंग है, मतलब लगता ही नहीं अंदर की बाहर गर्मी भी है। ओके, बिल्कुल एसी जैसा एहसास होता है। और यहाँ का बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का तो बढ़िया है, 40+। हाँ, बाहर तो काफ़ी अच्छी गर्मी है अभी, किसी 40+ चल ही रही है गर्मी। दूसरा एक और सवाल आता है कि जो आपने ये डक्ट कूलर इंस्टॉल करवाया है उसका इंस्टॉलेशन चार्ज टोटल कितना है आपके यहाँ? इंस्टॉलेशन चार्ज कम्प्लीट सब, हाँ हाँ सब कुछ, 1.70 से 2 के बीच में कुछ पड़ेगा। ओके ठीक है, तीसरा याद ही 2 साल हो गए हैं तो याद भी नहीं है। फिर तीसरा एक और सवाल आता है कि इसका जो हमारी सर्विस, जो हमारी सर्विस है, जो हमारा फर्स्ट क्लास सर्विस है, फ़ोन पे 26 रुपया है। ओके, तो एक फ़ोन पे सारा काम कर देते हैं, सब टीम बहुत बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आती, अपने कुछ बोलने ज़रूरत ही नहीं आ गई। एक आखिरी सवाल, आपको हमारे डक्ट कूलर के बारे में पता कैसे चला? मेरा कज़िन है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो वो काम उसने करा हुआ है बहुत सी साइट्स पर, तो उसी ने सजेशन दिया था, 26 रुपये का नंबर दिया, फिर जुड़े, उसके बाद जब काम करवाया तो
कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, और जो हमारे अभी डक्ट कूलर का टेम्परेचर है, तो जैसा हमारा डिस्प्ले आता है कस्टम और डिस्प्ले, तो उस पर अंदर का टेम्परेचर शो करता है, तो एक बार जरा आप देख के बता देंगे कि कितना है अभी टेम्परेचर लगा हुआ है डिस्प्ले। जी, थैंक यू जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब एक और न्यू प्रोजेक्ट के साथ। देखा आपने कैसा था रिव्यू, और ये टोटल एरिया है यहाँ का, और जैसा कि कूलिंग के बारे में सर ने बताया ही, तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।